नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो पे। दोस्तों आज के इस वीडियो पे आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप चरित्र प्रमाण पत्र या जिसे हम पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं उसे आप कैसे बना सकते हैं, या आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, और आपको मतलब कि बहुत ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो में आपको जानकारी आपको देने वाले हैं। इस वीडियो के देखने के बाद जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ वैसे आप कर लेते हैं तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जल्दी आपका बन जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैंने अभी कुछ दिनों पहले बनाया है तो मुझे जो है कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा पुलिस वेरिफिकेशन बनवाने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना जाए। वैसे तो आप जानते होंगे क्योंकि जब आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं तो वो आपको कहाँ काम आता है। वैसे तो अभी मुझे जो काम आया था वो एक बैंक कियोस्क लेने के लिए मुझे जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाने के लिए मुझे बोला गया था, क्योंकि उसमें एक रिकॉर्ड देखा जाता है कि आप जो है किसी प्रकार का कोई आपका केस तो दर्ज नहीं है आपका पुलिस स्टेशन पे। तो उसी प्रकार से आपको जो है कहीं भी आपको पुलिस वेरिफिकेशन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसके बारे में मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि आपको कहाँ पर लग रहा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सिटीजन पोर्टल होता है, आपको उस सिटीजन पोर्टल पे आपको जो है आवेदन करना है। आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो सर्टिफिकेट होता है वो 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, तो आप सबसे पहले उसे जो है ऑनलाइन आप जो है एप्लीकेशन आप कर सकते हैं सिटीजन पोर्टल के माध्यम से। जो अभी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसका एक फॉर्मेट बना लेते हैं और उसमें जो है सील साइन करवा के जो है पुलिस वाले के पास ला लेते हैं और 100-200-300 रुपये उनको दे देते हैं और उसे जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट माना जाता है। लेकिन एक्चुअल में वो जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट वो नहीं होता है। जो हम ऑनलाइन करते हैं उसमें एक जो है नंबर जनरेट होता है, एक पावती नंबर जनरेट होता है, और उसमें जो है पूरा हमारा जो जितना भी डाटा होता है वो एक कंप्यूटर में फीड होता है और उसे जो है एक वैलिड जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट माना जाता है। तो हमने क्या किया, ऑनलाइन किया। ऑनलाइन करने के बाद आपको जो है अपने नज़दीकी जो भी आपने फॉर्म भरते समय पुलिस स्टेशन डाला है वहाँ पे जाके आपको जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी आपने पहले तो आपको फ़ोटो लगेगी, फ़ोटो और आप जब एप्लीकेशन करेंगे तो आपको फ़ोटो लगेगी और 2 ID प्रूफ, 1 ID प्रूफ और 2 एड्रेस प्रूफ आपको लगेंगे, मूल निवास या आपका 10वीं का मार्कशीट भी लग सकता है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस है। ये चीज़ वहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए आता है, वहाँ पे अपलोड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको जो है 2 पेमेंट वहाँ पे आपको करनी पड़ती है। अगर मान लीजिए आप छोटे मोटे काम के लिए अगर आप करते हैं तो आपको 100 रुपये का पेमेंट आपको वहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं या सिटीजन के पोर्टल के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, UPI या किसी थर्ड पार्टी के माध्यम से। जब आप पेमेंट कर देते हैं वहाँ पे एक पावती आपको निकलती है, उस पावती को लेकर आपको जो है पुलिस स्टेशन पे आपको जाना पड़ता है और वहाँ पे फिर उनको बताना होता है कि हमें जो है यहाँ पर हमें जो है पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। वहाँ पे जो भी मुंशी बैठता है आप उसे जो है आप बता सकते हैं कि मुझे चाहिए, लेकिन उसमें एक डेट होती है, उस डेट से आपको पहले यहाँ पे जाके आपको हाजिर होना पड़ता है। अब यहाँ पर जो है कुछ पुलिस स्टेशनों में जो है कुछ पैसे भी मांगते हैं, तो अगर आप उनको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, मैं तो मना नहीं करूँगा, लेकिन मैं जब गया था तो मेरा काम नहीं कर रहे थे तो मुझे जो है उनको पैसा देना पड़ा, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपसे भी वो 100-200 रुपये मांग लें, तो आप जो है 100 रुपये से अगर आप इच्छुक हैं देने के, है ना, तो आप उनको दे सकते हैं, या अगर आप समय पे काम, अगर आपको अर्जेंट है तो, अगर नहीं अर्जेंट नहीं है तो आप जो है उनको फ्री में भी आप काम करा सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पैसे देने की वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ कंडीशन कुछ स्थिति में वहाँ पर जो है पैसा हमें लगता है। तो अगर जब पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट आ जाता है ओरिजिनल वाला तो आप उसको कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो ये मैंने आपको तरीका बता दिया, सिटीजन पोर्टल पे आप जो है बहुत ही इजी तरीका है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। कुछ अपनी ज़रूरी जानकारी आपको अपलोड करना पड़ता है, बाकी और कुछ नहीं है। तो आप सिटीजन पोर्टल पे जाके अपना एप्लीकेशन आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ परेशानी हो तो आप मुझे जो है सीधे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो हम आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।